In another program, what is the output of given case? In that case, सबसे पहले टेस्ट करेंगे कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम. इस फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन वाइल के केस में अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे आप, देन वाइल के केस में पास क्या किया, एम्प्टी कंडीशंस और वाइल हेडर इज विदाउट कंडीशंस. जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग बिगिनिंग सेक्शन ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट. लूप्स के केस में केवल फॉर लूप के केस में कंडीशनल पार्ट कैसा है, ऑप्शनल. जबकि रिमेनिंग केसेस में चाहे वो इफ का केस हो, वाइल का केस हो या डू वाइल का केस हो, कंडीशन पास करना मैंडेटरी है. इस केस में कंडीशन पास नहीं किया, इसकी वजह से जनरेट किया हुआ करेंटली कंपाइल टाइम एरर्स. मीन्स इस केस में प्रोग्राम को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है. बट सपोज दैट कंडीशन में मैंने प्रोवाइड किया सम कंडीशन या एस वन, इस वन के केस में, इस रियल केस में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर. लेकिन अगर इस केस में कंडीशन के प्लेस पर कॉन्स्टेंट वैल्यू सप्लाई किया एज ए वन, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम. इस केस में अगर प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, चेक दिस, वन टू, सबसे पहले परफॉर्म कराएं मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल आई विद इनिशियल वैल्यू गार्बेज. नेक्स्ट में थर्ड कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन कैसा है, टू. ट्रू के केस में बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट, बॉडी के केस में फाउंड हो रहा है आई प्लस प्लस, देयरफॉर लेकिन आई के सॉरी आई का इनिशियल वैल्यू क्या था, जीरो, नॉट अ गार्बेज. जीरो में प्लस प्लस हुआ इसलिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, इंक्रीमेंट होने जस्ट बाद. देन इस केस में टेस्ट क्या करें, इफ कंडीशंस. इफ कंडीशन में आई के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ आई विच इज वन. इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, वन. देन कंडीशन टेस्टिंग, वन लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मीन्स वन. इस केस में इफ का बॉडी सेशन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन टेस्टिंग जस्ट बाद. सिक्स केस में चांस किसको मिलेगा, ब्रेक स्टेटमेंट. और ब्रेक का जस्ट वर्किंग क्या, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. मीन्स जस्ट कंट्रोल का सेंड होगा डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. देन अगेन इस केस में सिक्वेंस क्या, इसका सेवेंथ. मीन्स एक बार अगर कंट्रोल बाहर आ गया, देन कभी कंट्रोल वापिस आ जाने के चांसेस नहीं. इसलिए मीन्स कभी भी इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को चांस ही प्रोवाइड नहीं, इसलिए इस केस में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा. अगर आई के वैल्यूज के रिगार्डिंग बात करें तो आई का वैल्यू वन फाउंड हो रहा है. अगर आप फाइल के बाहर आई का वैल्यू डिस्प्ले कराओगे तो आई का वैल्यू कैसे होगा, इस केस में वन. फिर भी इस केस में कोई भी आउटपुट और मैसेज डिस्प्ले होने के चांसेस नहीं.